Hi students, hi parents, how are you all? I hope you all are good. Good afternoon children, aap sab theek ho? Okay, good, ghar pe raho, safe raho, theek hai? So children, go and remove book, Adumas level book number 5. Go and remove it. I'm going to write today's date. Today's date is 5th, 2021, and we are going to learn story. Okay, we are going to learn story. Story page number 4444. Story का page number क्या है? 4444. Go and remove your book. Story page number 44. The foolish crow. The foolish crow. Find children, the foolish crow. So, so children, go and remember book, the foolish crow. तो आज हम story करने वाले हैं. क्या करने वाले हम? We are going to learn today's story. Fine. So, last lecture में हमने कहाँ तक देखा था? वहाँ तक चल. पहले आपको read करेंगे and then afterwards we are going to move forward. So see, first I'm going to read. Once a crow found a piece of cheese lying on the ground. She picked it up in his beak and flew to a tree. This much we have learned. How many lines? 2 lines, right? 2 lines हमने last section में देखा था. So first I'm going to tell you the meaning. See, once a crow found a piece of cheese lying on the ground. एक दिन की बात है, जब वो क्रो रहता है, वो उड़ता रहता है, राइट? वो फ्लू करता रहता है. जब वो क्रो फ्लू करते रहते हैं, तो उनको जमीन पर, ग्राउंड पर एक चीज दिखता है. चीज मीन्स कोई खाने का चीज. ओके, वो क्या करते हैं? वो फटाक से वो चीज को देखते. फिर क्या होता है? सी, शी पिक इट अप इन हर बीक एंड फ्लू टू द ट्री. शी पिक इट अप मीन्स कि वो जो क्रो रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो चीज रहता है, राइट, वो उसको उठाते हैं अपने बीक के अंदर. उनका जो बीक रहता है लाइक दिस, राइट, वो उसके उसके अंदर उठाते हैं और वो वहां से उड़ जाते हैं. कहाँ जाते हैं? उड़कर वो ट्री के पास चले जाते हैं. ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? वो ट्री के पास. फिर क्या होता है? इधर इतना तक हमने देखा था, राइट? दिस मच वी हैव लर्न इन अवर लास्ट लेक्चर, राइट? यस और नो? नाउ वी आर गोइंग टू मूव. A willy fox was passed by. A willy fox was passed by means कि जो fox means fox को हम हिंदी में बोलेंगे लोमड़ी. ओके, fox को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? लोमड़ी. वो लोमड़ी लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा उनको दिमाग रहता है. तो एक दिन मीन्स उसी दिन एक fox वहां से जाते रहते हैं. पास बाय मतलब उनके उनके पास से ही जाते रहते हैं. फॉक्स कौन जाता रहता है? फॉक्स जाता रहता है. ही सॉ द क्रो विद द चीज. वो देखते हैं कि क्रो वहां से उड़ रहा है, क्रो वहां से जा रहा है और उनकी जो बीक है वो बीक के अंदर उन्होंने चीज लिया हुआ है. हिज माउथ वॉटर. उनका जो माउथ है इसका, फॉक्स का, वो पानी गिरने लगे. जैसे डॉग्स को, डॉग्स का फेस रहता है, देखो माउथ, जब उनको कुछ खाने को दिखता है तो पानी बार बार जाता रहता है, वैसे फॉक्स का भी माउथ क्या हो गया? वॉटर्ड होने लगता. वॉटर मतलब पानी आने लगती है उनके माउथ से. ठीक है, फाइन चिल्ड्रन. आज हम यहाँ तक ही पढ़ने वाले हैं. अ विली फॉक्स वॉज पास्ड बाय. बोलो, अ विली फॉक्स वॉज पास्ड बाय. ही सॉ द क्रो विद द चीज. बोलो चिल्ड्रन, ही सॉ द क्रो विद चीज. With the cheese, he saw the crow. बोलो चिल्ड्रन, he
cheese. His mouth water. His mouth water. Fine. A willy fox was passed by. He saw the crow with the cheese. His mouth watered. So children, ये जो 4, 1, 2, 3 lines है, right? ये जो 3 lines है, वो आपको अच्छे से बाहर करना है. जैसे teacher आपको सिखा रहे with the action, same like that you have to say. ठीक है? जब आपका story poem exam होगा, that time you have to say this poem. जो poem teacher ने सिखाया वो and new poem and new story. ओके समझ में आ रहा है आपको. फिफ्थ नंबर की बुक से अभी आपका ओरल एग्जाम होगा. फाइन. तो जो भी टीचर सिखा रहे 2 lines 3 lines डू प्रैक्टिस एट होम. फाइन चिल्ड्रन. अवर स्टोरी नेम इज द फूलिश क्रो. द फूलिश क्रो. फुलिश का मतलब मूर्ख. क्रो मीन्स कौवा. ठीक है. वंस बोलो. वंस से विथ मी. वंस अ क्रो. वंस अ क्रो फाउंड अ पीस ऑफ चीज. बोलो. वंस a crow found a piece of cheese lying on the ground. Bolo children, lying on the ground. Once a crow found a piece of cheese lying on the ground. She picked it up. Bolo. She picked it up in his beak. She picked it up in his beak. In her beak. She picked it up in her beak and flew to a tree. A willy fox was passing by. He saw the crow with the cheese. His mouth watered. Fine. तो वन से लेके वॉटर तलक यू हैव टू लर्न दिस स्टोरी. बोलो. वन से क्रो फाउंड पीस ऑफ चीज लाइंग ऑन द ग्राउंड. वन से क्रो फाउंड पीस ऑफ चीज लाइंग ऑन द ग्राउंड. लाइक दिस यू हैव टू. First, you have to say your story name. My story name is The Foolish Crow. My story name is The Foolish Crow. Once a crow. Bolo children. Once a crow found a piece of cheese lying on the ground. She picked it up in her beak. She picked it up in her beak.
एंड फ्लू टू अ ट्री एंड फ्लू टू अ ट्री. अ विली फॉक्स, अ विली फॉक्स वॉज पास्ड बाय. सॉरी, अ विली फॉक्स वॉज पासिंग बाय. A willy fox was passing by. He saw the crow. He saw the crow with the cheese. He saw the crow with the cheese. His mouth watered. His mouth watered. Once a crow found a piece of cheese lying on the ground. She picked it up in her beak and flew to a tree. A wily fox. A wily fox was passing by. He saw the crow with the cheese. His mouth watered. His mouth watered. Fine children, समझ में आ रहा है? चलो वापस. Our story name is The Foolish Crow. हमें स्टोरी का क्या नाम है? The Foolish Crow. Once a crow found a piece of cheese lying on the ground. She picked it up in her beak and flew to a tree. This much we have learned in our last lecture. तो अभी जो टीचर ने two lines सिखाए ना, उससे टीचर is going to write a reply for C. A willy fox. A willy fox was A willy fox was passing by. Full stop. He saw the crow. He saw the crow with the cheese. He saw the crow with the cheese. His mouth. His mouth watered. Okay? His mouth watered. तो पहले जो हमने टू लाइन्स लर्न किए थे वो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, राइट? तो आप वो भी देख लीजिए. और अभी जो टू लाइन सिखा रहे वो आई हैव रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्योंकि यू ऑल कैन सी. अ विली फॉक्स. A willy fox was passing by. He saw the crow with the cheese. His mouth watered. His mouth watered. Okay? I hope so you all understood this. These two lines. समझ में आ रहा है आप लोग को? Again we are going to read. Okay. See. Our story name is The Foolish Crow. Once a crow found a piece of cheese lying on the ground. She picked it up in her beak and flew to a tree.
A really fox was passing by. He saw the crow with the cheese. His mouth watered. Okay? So these three lines we have completed. And rest of the line we will see in our next lecture. इसके लिए आपको ये होमवर्क है आपका कि आपको टीचर ने टोटल थ्री लाइंस स्टोरी में सिखा दी है, उनका प्रैक्टिस कीजिए फाइन. और जो आपका पोयम है, ठीक है, जो टीचर ने पोयम आपको सिखाया है वो भी आप घर पे क्या कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. फाइन चिल्ड्रन, आज के लिए इतना काफी है. रिसॉल्व फॉर टुडे. इसके बाद एक लिंक आएगा जिसमें आपको वंदे मातरम सॉन्ग सिंग करना है. फाइन, स्टैंडिंग पोजीशन में. आज इतना काफी है. बाय बाय. थैंक यू.